ठीक है। पटना के सबसे यूनिक पंडाल में अभी हम हैं, खगौल के मौर्य विहार का ये पंडाल अपने आप में बहुत खास है। शुरुआत से आप देखिए, एक एक आपको पोस्टर दिखेगा जिसमें आपको दिखेगा कि स्टॉप रेप का एक कैसे मैसेज दिया जा रहा है। आपको याद होगा कोलकाता में एक नर्स के साथ में जिस तरह से दरिंदगी हुई थी, उसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी और दुर्गा पूजा के इस पंडाल में उसी चीज को लेके ये पूरे पंडाल का थीम जो है वो तैयार किया गया है। आप देखिए, एक मैसेज, सोशल मैसेज दिया गया है, ये तमाम जो है मैसेज है। और सबसे खास बात यह है कि वर्तमान का ये स्थिति और महाभारत का ये थीम अपने आप में बहुत खास है। देखिए, ये महाभारत के थीम पे अंदर पूरा तैयार किया गया है पंडाल को, और इसमें आपको दिखेंगे पांडव। यहाँ पे आके दिखाइए, ये पांडव हैं। उधर शकुनी मामा दिखेंगे आपको, उधर जो है आपको कौरव दिखेंगे, धृष्टराष्ट्र दिखेंगे, और सबसे खास इधर द्रौपदी का चीरहरण आपको दिखेगा, ये देखिए। और ऊपर से श्री कृष्ण जो है जो बचाने का प्रयास कर रहे होते हैं उस चीज़ को दिखाया गया है। और अंदर इस पंडाल में माँ दुर्गा का प्रतिमा नहीं बल्कि माँ काली का एक भव्य प्रतिमा है। तो एक बार अंदर भी आके इस चीज़ को दिखाइए और कितने शानदार तरीके से ये तमाम चीज़ों को जो है अरेंज किया गया है। इस पूरे पूजा जो है आयोजन के सदस्य हमारे साथ है और इनसे हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या आप लोगों ने प्लान किया था और कैसे ये दिमाग में आया कि इस तरह का जो है थीम रखा जाए। तो जब से कोलकाता का रेप हुआ तो तभी से एक हम लोग के दिमाग में एक आइडिया पनप रहा था कि इस तरीके का कुछ थीम किया जाए। तो इससे रिलेटेड हम लोग सोच रहे थे कि पुराने हमारे ग्रंथ वंथ में या रामायण या महाभारत में इस तरीके का कुछ कुछ घटना हुआ है तो उसको कैसे हम लोग विथ मॉडर्न एज कैसे हम लोग दर्शाए, शो करें, कैसे दिखाएं। हाँ। तो फाइनली हम लोग ये डिसाइड किए कि ये महाभारत का थीम द्रौपदी चीरहरण हम लोग इस पूरे जगह पर रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखिएगा चारों तरफ आपको दिखेगा जैसे पहले दरबार होता था महाभारत में, आप जब सीरियल्स देखते होंगे तो जैसा दरबार दिखता था ठीक वैसा ही बनाया गया है। और जगह जगह पर मैसेज दिया गया है स्टॉप रेप, इधर देखिएगा योर हैंड्स आर ऑल्सो कवर्ड विथ ब्लड। तो ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। और सबसे खास चीज़ ये है, इधर ये पांडव हैं, पांडवों को दर्शाया गया जी, है जी। और उधर शकुनी को दर्शाया गया है, उधर जो है कौरवों को दर्शाया गया है, और इधर द्रौपदी का चीरहरण दर्शाया गया है। तो क्या मैसेज यहाँ से देना चाह रहे हैं आप लोग? मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि नो मीन्स नो, हम लोग वुमेन सेफ्टी के प्रति बहुत ज़्यादा उसके प्रति हम लोग जागरूक हैं, जागरूकता भी फैलाना चाह रहे हैं और अवेयरनेस मैसेज देना चाह रहे हैं। तो कितना खर्च हुआ इस पूरे पंडाल को बनाने में? तो अराउंड 5 लाख के अराउंड हो गया, 5 लाख के आसपास, उससे ऊपर ही गया है, उससे नीचे नहीं आया है। अच्छा, तो यहाँ पे कितने लोगों का टीम है आप लोगों का? 10-15 लोगों का टीम है। और ये लोकेशन जो है खगौल का जो ओवर ब्रिज खत्म होता है दीघा वाला, वहीं पे ये दीघा एम्स एलिवेटेड जहाँ जस्ट उतरता है उसी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये मौर्य विहार कॉलोनी है। और हमारे साथ हमारे मित्र अभिनव भाई भी हैं और इनसे जो है समझेंगे, जानेंगे कि कैसा लगा आपको ये पहली बार, चूंकि आप यहाँ पे आए, हम तो पिछली बार भी यहाँ आए थे। अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार संदेश देने की कोशिश की है इन लोगों ने। और दुर्गा जी सिर्फ पूजा करने की चीज़ नहीं है, मतलब सीखने की समझने की चीज़ है। तो बहुत अच्छा है, थीम बहुत अच्छा है, थीम बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा लाइन की भगवान माँ दुर्गा माँ काली, ये लोग सिर्फ पूजा करने की चीज़ नहीं है, इनसे सीखने की ज़रूरत है और समाज में एक अवेयरनेस की ज़रूरत होती है कि हमारी महिलाएं, हमारी बहन, हमारी माताएं सेफ रहे। और इसी चीज़ को इस पंडाल में दिखाया गया है, तो अपने आप में बहुत यूनिक है। और यही कारण है कि वीडियो के शुरुआत में हमने कहा कि पटना का सबसे यूनिक पंडाल, तो वाकई में ये पटना का सबसे यूनिक पंडाल है। आसपास में अगर आप रहते हैं तो आए, कल आके देखें, परसों आके देखें, और यहाँ पे देख के और बताएं कि कमेंट बॉक्स में आके कैसा आपको लगा। बाकी बहुत धन्यवाद, जय हिंद।